क्या गाड़ी का टायर फट गया? मगर कैसे? जी हाँ, जब आपने कभी किसी गाड़ी का टायर फटते देखा होगा तो यह सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि गाड़ी का टायर कैसे फट गया? आखिर क्या वजह रही जिससे गाड़ी का टायर फट गया? तो आज हम इस विषय पर ही बात करने वाले हैं कि गाड़ी के टायर क्यों फट जाते हैं, क्या कारण होता है और इस नुकसान को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए कुछ आज नया सीखते हैं। टायर फटने के कुछ कारण होते हैं जिनमें से मैं पांच कारण आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है कि जब हमारी गाड़ी स्पीड में चल रही होती है और रोड पे कोई पड़ा हुआ शार्प एज वाला कील, एंगल या कोई पत्थर हमारे टायर में हिट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में टायर फट जाता है। दूसरा जो कारण होता है टायर फटने का वो है टायर की कंडीशन। टायर की कंडीशन, अगर हमारी गाड़ी के टायर पुराने हैं, घिसे हुए हैं या फूल गए हैं या फिर कोई टायर हमारा रिपेयर किया हुआ है जिससे टायर कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी टायर फट जाते हैं। क्योंकि टायर जब पुराना हो जाता है तो उसकी जो स्पीड रेटिंग है, लोड कैपेसिटी है और टेम्परेचर की जो कैपेसिटी है वो भी कम होने लगती है। टायर घिस जाता है या फूल जाता है तो ये चीज़ सब कम हो जाती है उसकी और टायर जल्दी गर्म होने लगता है जिससे टायर फट जाता है। कई बार टायर जब फूल जाता है तो जो फूला हुआ हिस्सा है वो रोड के बीच जो घर्षण होता है उसमें ज़्यादा होता है और एक झटका सा उसको लगता है, जहाँ से फूला हुआ है वहीं पे उसको ज़्यादा लोड पड़ता है और वहीं से टायर गर्म हो जाता है और टायर वॉश हो जाता है। तीसरा जो कारण है टायर फटने का वो है एयर प्रेशर। जब हमारे टायरों में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो गर्मी के सीजन में एक तो रोड गर्म होता है, दूसरा जब टायर चलता है स्पीड में तो उसमें भी हीट जनरेट होती है और उधर हीट जनरेट होने से जो एयर प्रेशर टायर में होता है वो एक्सपेंड करने लगता है जिससे टायर का जो एयर प्रेशर है वो बाहर फैलने की कोशिश करता है और उससे टायर वर्स्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हमारे टायर का प्रेशर लो है, यानी टायर में हवा कम है, तब टायर और रोड का जो कांटेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है। हवा कम होने से टायर का जो कांटेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है जिससे टायर और रोड के बीच ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और टायर ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वर्स्ट हो सकता है। टायर में एयर प्रेशर कब और कितना चेक कराना चाहिए इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं। चौथा जो कारण होता है टायर फटने का वो है हाई स्पीड। हर टायर की एक स्पीड रेटिंग होती है और यह स्पीड रेटिंग टायर जब हमारा पुराना होने लगता है या घिसने लगता है तो उसी हिसाब से स्पीड रेटिंग भी कम होने लगती है और जब हाई स्पीड में गाड़ी चलती है तो टायर में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने से टायर हाई स्पीड में फट जाता है। पांचवा जो कारण है वो है ओवरलोड, यानी गाड़ी में अगर ओवरलोड है तो उसी हिसाब से हर टायर की लोड कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोड लेके
कितने टेम्परेचर पर चल सकता है। जब ज़्यादा लोड होता है गाड़ी में तो गाड़ी का टायर दब जाता है, यानी उसका रोड से कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे उसमें जो रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन है वो भी बढ़ जाता है और उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होने लगती है और ज़्यादा हीट जनरेट होने से ही टायर फट जाता है। तो कुल मिलाकर जो टायर फटते हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट होने से ही फटते हैं। ज़्यादा हीट जनरेट होगी टायर की कैपेसिटी से बाहर तो टायर फट जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं हम इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी गाड़ी की स्पीड मेंटेन करके चलिए। अगर रास्ता ख़राब है, सड़क ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, तो उसी हिसाब से गाड़ी की स्पीड रखिए जिससे टायर पे कोई नुकसान ना हो। दूसरा, टायर की कंडीशन आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। अगर कंडीशन ख़राब होने वाली है तो उन्हें तुरंत चेंज कराइए। और अगर आपको लॉन्ग रूट पे गाड़ी को लेके जाना है तो आपके टायरों की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है टायर कमज़ोर होता है, गाड़ी लॉन्ग रनिंग करती है, टायर गर्म हो जाता है तो फट जाता है। तीसरा, जो आप एयर प्रेशर मेंटेन करके चलिए, कम से कम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ज़रूर चेक कराइए। गाड़ी का एयर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो टायर की लाइफ आपकी बनी रहेगी। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो टायर में नाइट्रोजन भरवा सकते हैं। नाइट्रोजन से क्या फ़ायदा होता है इसके लिए आप आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है आपकी गाड़ी के टायरों के हिसाब से होनी चाहिए। टायर आपके सही हैं तो स्पीड उसी हिसाब से रख सकते हैं। अगर टायर आपके गाड़ी के कमज़ोर हैं तो स्पीड को उसी हिसाब से मेंटेन करके चलिए। और गाड़ी में ओवरलोड ना भरें जिससे टायर आपका सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।